अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू नॉन जीरो वैक्टर्स इन यू एंड वी इन आर एंड आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल आर परपेंडिकुलर यू डॉट पी इज इक्वल टू जीरो। क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, कौन कौन से यू और वी, तो आर एन में वो कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए या उसका इनर प्रोडक्ट उनका जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। और यहाँ पे भी एक हमारे पास फैक्ट है कि जो जीरो वेक्टर है आर एन के अंदर वो ऑर्थोगोनल होता है हर वेक्टर। क्या मतलब है कि जीरो का डॉट प्रोडक्ट आप किसी भी वेक्टर से लेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो जो है वो ऑर्थोगोनल है आर एन के अंदर हर वेक्टर के। अब ये जीरो क्यों आता है, इसको जरा हम देखते हैं कि गिवन यू डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है जीरो पे। तो हमने देखा हुआ है कि यू डॉट वी जो है ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर ये है परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा फिर क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा, हमेशा 90 होगा। तो यहाँ से यू डॉट वी जो है वो किसके इक्वल आएंगे, यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90। एंड वी आल्सो नो दैट कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल होता है। इसलिए अगर ये जीरो हो जाए तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये ऑर्थोगोनल है, इनका इंटरमीडिएट जो एंगल होता है वो जीरो 90 होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, जीरो होगा। हम नेक्स्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि हमने शो करना है कि ये कोई वेक्टर है यू, वेक्टर वी है, ये क्या है, ऑर्थोगोनल है आर फोर के अंदर। तो सबसे पहले हम जो है यू लेते हैं माइनस टू थ्री वन फोर, और वी है हमारे पास 1 2 0 -1। तो बिल्कुल कंपोनेंट फॉर्म में, ऐसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने क्या करना है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से, और इस तरह जो है हमने क्या करना है, इनका जितना भी सम आएगा उसको जमा कर देंगे। तो पहला माइनस टू बनेगा, फिर तीन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे 6, वन को जीरो से जीरो, और फोर को माइनस वन से, तो ये माइनस फोर आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस टू प्लस 6, ये प्लस का फोर आएगा, और ये क्या है, साथ में माइनस का फोर है, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। उसका क्या मतलब है, ये यू और वी जो दो वेक्टर्स हमने देखे, ये क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल जो है बी, उसमें क्या कहता है, वो कहता है कि एस आई जे के बी द सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन आर क्यू। हमें पता है कि आई जे के जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं हमेशा, तो हमने शो करना है कि इनका जो हर पेयर है वो ऑर्थोगोनल है। तो बड़ी आसान सी बात है आई जे के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लान बना लूं, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ क्या होता है के, और इन सब के दरमियान ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ एनी वन ऑफ टू, अच्छा वैसे ये डॉट प्रोडक्ट में भी हमने पढ़ा है कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ठीक है। तो इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जीरो होता है। सबसे पहले अगर मैं आई डॉट जे ले लूँ, ठीक है, तो आई के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसको कंपोनेंट फॉर्म में 1 0 0 लिखते हैं और जे को लिखते हैं 0 1 0, ठीक है। अब जैसा कि हमने ऊपर मल्टीप्लीकेशन की, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से ये भी 0,
और जीरो को जीरो से ये भी जीरो, इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरह अगर आप जे डॉट के ले लें वो भी जीरो आएगा, और के डॉट आई लेंगे वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब क्या है कि जो आपके पास आई जे के हैं उनके अगर आप ऑर्डर पेयर लें ना, वो सारे क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। आप डॉट प्रोडक्ट से भी प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के, अगर पेंडिकुलर तो आंसर जीरो होता है, और इस तरह से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी होती है। बाज औकात जो है जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, -2, 3, 1, 4, V1, तो यहाँ पे ना फर्ज करें जीरो नहीं देते, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो नहीं देते, बल्कि यहाँ पे क्या देते हैं जी, ए। और वो कहते हैं ऑर्थोगोनल है तो आप ए की वैल्यू फाइंड करें, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि फिर हम जो है ना इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पीपीएससी के पेपर में भी मेरे ख्याल में एक वो था, तो खैर वेक्टर्स की फॉर्म में, लेकिन बिल्कुल ये सेम चीज ही थी, उसमें हमने एम की वैल्यू निकालनी थी। तो ये बड़े आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, लाइंस एंड प्लेन्स डिटरमिन्ड बाय पॉइंट्स एंड नॉर्मल। तो आपने जो है पहले पढ़ रखा है कि हमारे पास जो लाइंस होती है ना, ओके, लाइंस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती थी, एक पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, इक्वेशन आपको मैं याद दिला दूं, y-y1 = mx-x। ठीक है, यहाँ पे हमें x1 और y1 पॉइंट की जरूरत होती थी और स्लोप की जरूरत होती थी। ये दोनों चीजें अगर मिल जाती थी तो हम इक्वेशन की लाइन लिख लेते थे, लाइन की इक्वेशन लिख लेते थे। अब दूसरा, अगर प्लेन बनानी होती थी तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती थी, एक पॉइंट, दूसरा इंक्लिनेशन, या उसका आप कह सकते हैं एंगल, जिससे हम जो है वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, और वो किसके इक्वल होता था, m2-m1/(1+m1, m2)। तो ये भी इनडायरेक्टली जो है वो स्लोप से रिलेटेड था। तो इन दोनों के लिए ना हमें मतलब स्लोप की जरूरत होती थी और पॉइंट। तो यहाँ पे एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की या स्लोप की, तो उसके लिए हम नॉर्मल को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, नॉर्मल को। अब यहाँ पे फिगर में देख लें कि ये पॉइंट पी एक्स वाई जो है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ए बी जो है ये क्या है, नॉर्मल है इस लाइन के ऊपर, और कहाँ पे नॉर्मल है, किस पॉइंट पे, पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट। ये तो बात हो रही है किसकी, लाइन की। और अगर प्लेन की बात हम करते हैं तो प्लेन में जो है ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया पी एक्स वाई जी, और ये एक हमारे पास नॉर्मल है ए बी सी, नॉर्मल वेक्टर है, जो कि नॉर्मल कहाँ पे है, किस पॉइंट पे, पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट सी नॉट। अब जो है हम इन तीनों का इस्तेमाल करके, ठीक है, यानी कि हम इस्तेमाल करेंगे एन का, पी का और पी नॉट का, तीनों का इस्तेमाल करके हम जो है अपना लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन भी और इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कैसे, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारे पास, अब एन डॉट पी नॉट पी इज इक्वल टू जीरो, ये भी वेक्टर है आपके पास और ये भी वेक्टर है। तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है आपके पास, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है। अब कैसे है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, अगर हम इसमें देखते हैं, ओके, यहाँ पे पॉइंट मैं लेता हूँ एक्स वाई, जैसा कि मैंने बताया कोई भी आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। पी नॉट हमारा क्या है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो वेक्टर नॉर्मल है, और एन हम लेते हैं ए बी, ये सारे का सारा किसका केस है जी, ये लाइन का केस है, लाइन के केस में आपको पता है दो दो। तो जहाँ पे अगर वो वाला फार्मूला एन डॉट P नॉट P इज इक्वल टू जीरो, तो N हमारे पास क्या है, AB है,
ठीक है, और पी नॉट, पी आपको पता है डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ओके ये होगा एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट। ये आपके पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म है किसकी, लाइन पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, ओके। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्लेन की, तो प्लेन में भी सारा सेम यही प्रोसेस होगा। उसमें हमारा पी जो है वो क्या है, एक्स वाई जेड है। उसमें हमारा पी नॉट जो है वो क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट सी नॉट, और हमारा एन क्या होगा, ए बी सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वही प्रोसेस हम करें, एन डॉट पी नॉट पी इज इक्वल टू 0, तो ए पी सी डॉट, अब पी नॉट क्या है हमारे पास, सॉरी पी नॉट पी, तो ये फिर इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, या आप जिस तरह पॉइंट्स को वेक्टर बनाते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट ओके वाई माइनस वाई नॉट जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लें, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस ओके जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है किसकी, प्लेन की, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं, हम उसमें देखेंगे कि कैसे जो है, फर्ज करें हमारे पास एक है 6x-3 प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बड़ा ही आसानी से आप जो है अगर इसे कंपेयर कर सकें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इस इक्वेशन से जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है इसकी लाइन की, उससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, 6 और यहाँ पे क्या है 1 है, और जो हमारे पास पी नॉट है वो क्या है, थ्री माइनस 7 है, और पी हमारे पास क्या है वो एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन देख के भी हम बता सकते हैं, या किसी भी इक्वेशन को अगर लाइन की इक्वेशन दी जाए और उसे आपने पॉइंट नॉर्मल की फॉर्म में लिखना, तो आप उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, तो वो आपकी पॉइंट नॉर्मल फॉर्म होगी। प्लेन भी आपके सामने सेम टू सेम इसी तरह। लास्ट में हम एक तो रिजल्ट देखते हैं, और बड़े आसान से रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है हमारे पास कि अगर ए और बी जो है वो कांस्टेंट, दोनों 0 ना हो, तो फिर इक्वेशन जो फॉर्म है ये, अगर मैं पहले की बात करता हूँ ए की, उसने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहली तो बात है, इसमें दो एक्स वाई दो पॉइंट यानी कि पेयर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन है। फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल है, यहाँ पे एन जो है वो ए बी है, और अगर आप यहाँ पे देखें कि पी नॉट क्या है यानी कि किस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ये हमारे पास क्या है, 0 0 यानी कि ये क्या है, थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है, थ्रू ओरिजिन हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं तो वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन है, और ये यहाँ पे हम अगर आप एन देखें तो वो आपके पास क्या है, ए बी सी है, और यहाँ पे पी नॉट की फिर से बात की जाए तो वो 0 0
जीरो है, यानी कि थ्रू ओरिजिन जो है ये प्लेनेट में से ये वाली गुजर रही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में, और जो नॉर्मल फॉर्म हमने देखी लाइन की और प्लेन की। और अगर आप इसको बेसिक लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप सेकंड ईयर की बुक में जो है चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं तो वो अपनी कोई से बुक कंसल्ट कर सकते हैं इसकी बेसिक्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।